जब हम क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या कोई भी ब्राउजर चलाते हैं तो ये ब्राउजर्स कुछ डेटा स्टोर करते हैं। स्टोरेज इन ब्राउजर्स में इनबिल्ट होती है, और स्टोर डेटा करने की ज़रूरत इसलिए होती है ब्राउजर्स को ताकि जब आप इन ब्राउजर्स पे कोई वेबसाइट चलाएं तो वो वेबसाइट जल्दी लोड हो, सर्वर से डेटा डाउनलोड करने के बजाय जो ब्राउजर में ही डेटा सेव्ड है उसका इस्तेमाल किया जा सके और आपका वेबसाइट एक्सपीरियंस अच्छा किया जा सके। डेटा स्टोर दो तरीके से होता है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। ये दोनों ही स्टोरेज ब्राउजर्स में अवेलेबल होती हैं, दोनों का ही काम डेटा स्टोर करना है। लेकिन जैसा कि नाम से फर्क पता लग रहा है, लोकल स्टोरेज में डेटा एक्सपायर नहीं होता, सेशन स्टोरेज में डेटा सिर्फ एक सेशन के लिए रेलेवेंट होता है। वो सेशन खत्म तो डेटा भी खत्म, डेटा एक्सपायर हो जाता है। सेशन का डेटा एक्सपायर करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसका रेलेवेंस सिर्फ उस सेशन के लिए होता है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी बैंक की वेबसाइट पे जाते हो तो देखते होगे कि 2-3 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद ही बैंक की वेबसाइट कहती है कि आप लॉग आउट हो जाते हो, आपका वो सेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी के लिए उस सेशन को एक्सपायर करना होता है। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, उसको बंद कर देते हो, 2-4 घंटे के बाद घूम फिर के फिर से उसको खोलते हो तो वो दूसरा सेशन। तो इस तरीके से जब आप एक टाइम इंटरवल के बाद वेबसाइट को चलाते हो तो हर बार एक नया सेशन बनता है। लोकल स्टोरेज में डेटा वो डालते हैं जो डेटा हर बार चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपका यूजर नेम। जितनी बार भी वेबसाइट खोलोगे ये इन्फॉर्मेशन तो बदलेगी नहीं, तो इसलिए ये डेटा लोकल स्टोरेज में सेव होता है। और सेशन स्टोरेज में सिर्फ वो डेटा सेव होता है जो सिर्फ एक उस सेशन के रिलेवेंट है, जैसे कि सेशन आईडी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। थैंक यू।